अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो कैसे हम सब, उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। तो यार आज के व्लॉग में हम अपनी वाइब जी को जाके रैप करवाएंगे। रैप मैंने ले लिया, मैं रैप आप लोगों को जाके दिखाता हूँ। मैं तो आप लोगों ने भी एक यूट्यूब पर बाइक देखी होगी, काफ़ी फेमस हुई हुई है रैप की वजह से। उन भाई ने बड़ा ज़बरदस्त रैप करवाया, वैनम में रैप करवाया और सबसे अलग चीज़ उन्होंने बनाई है। तो काफ़ी लोगों ने उनको कॉपी करना शुरू कर दिया। तो चीज़ तो उन्होंने माशाल्लाह बहुत कमाल की बनाई है, सबसे अलग। अभी तक ऐसा रैप किसी ने भी नहीं करवाया था। लेकिन जैसे कि आप लोगों को पता है कि हर बंदा कॉपी करने के चक्करों में ही होता है, तो यार हम कॉपी नहीं करेंगे बिल्कुल भी। मैंने खुद सोच के ये कलर आप रैप करवा रहा हूँ, अब देखते हैं कैसा लगता है या नहीं लगता। और अभी तक आप लोगों ने इस कलर में रैप भी नहीं देखी होगी बाइक, जो कलर मैंने लिया है। बड़ी मेहनत लगती है व्लॉग बनने में। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। चलते हैं और आप लोग जाकर रैप दिखाते हैं। ब्लू क्रोम रैप है ये, ग्लोसी ब्लू रैप नहीं है, ये ब्लू क्रोम रैप है, ठीक है। ये देखिए आप लोग, इसके ऊपर लेमिनेशन है अभी, जब ये रैप होगा उसके बाद ये हम लेमिनेशन भी इसके ऊपर से उतारेंगे और फिर आप लोगों को लुक दिखाएंगे। इस कलर और ब्लू क्रोम कलर में काफ़ी फ़र्क है। जब वो रैप होगा तो फिर ही पता लगेगा कैसा लगता है। एक ने मुझे पेपर काफ़ी पसंद है, तो मैं सर अब रैप करवा के देखते हैं। रैप वाली शॉप में मैं आ गया हूँ, अब उन्होंने खोलना शुरू कर दिया बाइक। बाइक खुल के रैप होगी क्योंकि लगे लगाए पेपर से इतना बैठे खाली। तो सारी बाइक अब जिस जिस पर मैंने ये ब्लू रैप करवाना है तो वो हिस्सा खुलने लगा। तेल और साइड स्कूप वगैरह सारा कुछ खुल गया, अपना रिकॉर्ड रह गया और टैंकी लगे लगाए रैप हो गई। वो ज़रा उस तरह ज़रा अच्छी तरह हो जाएगी, वरना फिर काफ़ी इशू होगा टैंकी उतार के हम रैप करते हैं तो। और वैसे भी कोई भी बंदा रैप करवाता है तो वो टैंकी लगे लगाए कोई करवाता है, वो मैंने नहीं देखा किसी को भी कि किसी ने टैंकी उतार के रैप करवाई हो। तो बाकी वो अंदर रखती है सामान, अब अगला मैं गार्ड बस उन्होंने खोलना, उसके बाद रैप शुरू कर रहे हैं। वहाँ से उन्होंने साफ़ वगैरह बाकी चीज़ें कर ली है, बस अगला मैं गार्ड खोलेंगे और साफ़ करेंगे और फिर रैप कर देंगे उसको भी। तो यार टापे वगैरह रैप हो गए, अब ये टैंकी को भी साफ़ वगैरह कर ली है। अब टैंकी को पहले हम रैप करने लगे क्योंकि आजकल लाहौर में ना लाइट का काफ़ी मसला बना हुआ है हर जगह पर, और भी काफ़ी शहरों में मसला बना हुआ है। तो अभी टापे हो गए हैं, टैंकी अब होने लगी है, पहले रैप टैंकी हम करने लगे। मैं कहा चलो बाकी चीज़ें बाद में हो जाएगी, तो खैर है ये टैंकी रैप हो जाएगी ना, फिर सीट हम लगा लेंगे एक ही दफ़ा। तो ये भी कलर है साफ़ सुथरी टंकी, टंक पैड भी उतार दिया, टंक पैड भी मुझे नया लगवाना पड़ेगा। और जो साइड में मैंने स्टिकर वगैरह लगवाए थे वो भी उतार दिए मैंने। तो अब टैंकी रैप होने लगा है, ब्लू क्रोम की आप शाइन देख लें रात के टाइम। माशाल्लाह जो पेपर की लुक आ रही है ना अभी देखते ही तो मज़ा आ रहा है। आप देखते हैं जब सारा काम हो जाएगा, पूरी बाइक रैप हो जाएगी, फिर ही पता लगेगा भाई क्या चीज़ निकलती है। सो फाइनली ये टापा भी हो गया है, मैंने ये रैप तो करवा लिया, लेकिन जो इसका ओरिजिनल स्टिकर था मैंने उसकी कटिंग करवाई है। और ये भाई जो है ये हैंड कटिंग करते हैं, तो ये काम बड़ा मुश्किल है, देखने में तो आसान लगता है लेकिन जब ये रैप हुआ है ना काम तो फिर लग पता गया। लेकिन यार आप इसकी शेड देखें, इस रैप का शेड देखें बस, आप लोग इतना खूबसूरत लग रहा है माशाल्लाह। अब जब फिट होता है तो आप लोगों को दिखाता हूँ मैं, बस थोड़ा सा काम मेरा रह गया है लेकिन काफ़ी टाइम लग गया है। मैं सुबह से आया हूँ और रात हो गई है बिल्कुल। फाइनली बाइक वगैरह रैप हो गई है।
अब इसको वॉश करवाने आए हैं, वॉश होती है तो आपको इसकी लुक दिखाते हैं, क्योंकि बाइक अभी काफ़ी गंदी हुई है तो वॉश होती है तो आपको इसकी लुक दिखाते हैं। वॉश वगैरह करवा के मैं व्लॉग सुबह कंटिन्यू कर रहा हूँ, क्योंकि रात के टाइम आप लोगों को सही पता नहीं लग रहा था रैप का, ठीक है। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना कि यार ये रैप कैसा लग रहा है, ठीक है। यार ये इस रैप का एक नुकसान ये वो होता है कि इसकी कटिंग बहुत मुश्किल है, अभी इसे थोड़ा थोड़ा पता लग रहा है कि ये रैप हुआ है, ठीक है। इस रैप का नुकसान ये है कि जब आप इस यानी कि इसको रैप कर रहे हो बाइक को, ये देखो ये जहाँ जहाँ कब जाए वहाँ वहाँ से कलर चेंज करेगा, जैसे कि कर रहा है अभी कलर चेंज, ठीक है। अभी इसको मैंने कपड़ा वगैरह नहीं मारा, बहरहाल आप लोगों ने बताने कलर कैसा लग रहा है, ठीक है। और ये देखिए फ्रंट नंबर गार्ड भी मैंने करवा लिया हुआ है, आप लोगों ने मुझे पूछा था कि इंजन गार्ड को करवाया जाए क्रोम ब्लू या ब्लैक ही रंग, बाकी आप लोग लुक से बताएं मुझे और मैं अभी आप लोगों को इसके सिनेमेटिक शॉट्स दिखाता हूँ। जैसे आप लोगों ने पहले देखा होगा टैंक पैड लगा हुआ था यहाँ पे सेंटर में, अब एक टैंक पैड भी नया लगवाते हैं, और भी देखते हैं अगर और कुछ भी लगवाना हो तो वो भी लगवा लेते हैं। प्लेट थी वो मैंने स्मोक रेड में करवाई थी, लेकिन वो अच्छी नहीं लग रही थी बाइक के हिसाब से, इस कलर में मैंने करवाई थी स्मोक रेड में तो वो अच्छी नहीं लग रही थी, मैंने इसका स्मोक ब्लैक करवा लिया है, और बाकी देखते हैं और भी कुछ देर में आया तो वो भी करवा लेंगे।